तो दोस्तों फिर एक बार इंडियन रेलवेज ने तो एक काफी बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। जून का महीना आ चुका है और पिछले महीने का डेटा फाइनली अब रिलीज कर दिया गया है रेलवेज की तरफ से। यहाँ पर रेलवेज ने कहा है कि उन्होंने मई के महीने में तो हाईएस्ट फ्रेट लोडिंग की है, विच इज 114.8 मेट्रिक टन। इससे रेलवे ने तकरीबन 11,604 करोड़ रुपीज कमाए हैं। और ये जो डेटा है तो वो आज के दिन रेलवे की तरफ से रिलीज किया गया है। अब यहाँ पर बताया गया है कि पिछले साल के मई के महीने से कंपैरिजन करें तो इस बार तो 9.7% का उछाल देखने मिला है। और इसमें कई तरह के गुड्स हैं जहाँ पर हमारी इंडियन रेलवे ने ट्रांसपोर्ट किया है, जिसमें शामिल है कोल, आयरन ओर, फूड ग्रेन्स, फर्टिलाइजर्स, मिनरल ऑयल, सीमेंट और क्लिंकर जैसे कई सारे अन्य चीजें। इनफैक्ट अब यहाँ पर जो वैगन टर्न अराउंड टाइम, यानी कि कोई एक्टिविटी को हमें जो मैक्सिमम टाइम लगता है पूरी एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए, तो ये भी काफी एफिशिएंटली यहाँ पर रेलवे ने मैनेज किया है। पिछले महीने यानी कि मई के महीने में जो रेलवे का टर्न अराउंड टाइम रहा है तो वो है 4.81 डेज, और वही मई के 2019 का डेटा देखे तो वो था 6.46 डे। तो इससे आप रेलवे की एफिशिएंसी का भी एक अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी एफिशिएंट हो चुकी है अब रेलवे। और ये जो अब फ्रेट मूवमेंट है तो इसलिए भी हमें यहाँ पर एक ग्रोथ देखने मिली है, क्योंकि इंडियन रेलवे ने यहाँ पर कई सारे कंसेशन डिस्काउंट देना शुरू कर दिए थे। बिकॉज रेलवे का यहाँ पर एक ही मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा फ्रेट मूवमेंट हम रेलवे से कराएं, तो इन सभी ऑफर्स की वजह से ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी बन चुके थे। इससे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके कॉस्ट भी काफी ज्यादा बचे हैं, लगभग करोड़ ऑफ रुपीज उनके सेव हो चुके हैं। इसके अलावा जो स्पीड थी तो वो तो डबल से भी ज्यादा हो चुकी है। अब पिछले 18 महीने का अगर हम डेटा देखें तो इंडियन रेलवे के फ्रेट मूवमेंट में काफी तेजी आ चुकी है। और जाहिर सी बात है यहाँ पर अब जो पैसेंजर ट्रेन है तो वो इतनी नहीं चलाई जा रही है, एंड बिकॉज ऑफ विच ट्रैफिक अब काफी कम हो चुका है, एंड इसी का फायदा अब हमारी फ्रेट ट्रेन ने काफी अच्छे से उठाया है। इनफैक्ट कुछ जोन तो ऐसे भी जहां पर फ्रेट ट्रेन्स की एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की रिकॉर्ड की गई है। वैसे पिछले महीने यानी कि मई 2021 की बात करें तो यहां पर एवरेज स्पीड रही है 45.6 किलोमीटर पर आवर, जो कि अगेन काफी अच्छी बात है। यहाँ पर आप सोच सकते हो कि मालगाड़ियों को एक काफी अलग ही नजरिए से देखा जाता था कि कितनी स्लो है ये मालगाड़ियाँ, बट अभी के हालात को देखें तो अभी तो यहाँ पर कुछ अलग ही सिनेरियो है। इसके अलावा तो हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स में जो मालगाड़ियाँ दौड़ाई जा रही है तो उसने तो राजधानी एक्सप्रेस, जो कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट और प्रीमियम ट्रेन है, उसको भी एवरेज स्पीड के मामले में पीछे छोड़ दिया है। सो दिस इज एंड फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।